यहाँ पे देखिए हर कंपनी के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं चॉपिंग बोर्ड को लेकर, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज ही क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है, फिर से वही हो गया, हमारे फूड सेफ्टी की बात आ रही है, बैक्टीरिया की बात आ रही है और क्रॉस कंटेमिनेशन, तीन चीज याद रखो, फूड सेफ्टी, बैक्टीरिया और क्रॉस कंटेमिनेशन। अभी जैसे मान लीजिए मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, ठीक है ना, अगर कोई दूसरा आदमी आएगा उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो अब वो मेरे पास आया, उसने मुझे टच करा, अब क्या हो गया, उसके बैक्टीरिया मेरे पे आ गए, मैं बीमार पड़ गया। बैक्टीरिया तो उसके पास थी बट जब तक मैं उसके पास नहीं गया, ठीक है ना। वैसे चॉपिंग बोर्ड होता है, अगर आपके दो चॉपिंग बोर्ड सेपरेट है, एक वेज का एक नॉन वेज का है, ठीक है, तो यहाँ के बैक्टीरिया वहाँ नहीं जाते, है ना। और अगर चॉपिंग बोर्ड के कलर भी इसलिए अलग रखते हैं ताकि मुझे पता चले मैंने यहाँ पे चिकन काटा था, क्योंकि चिकन के बैक्टीरिया ज़्यादा हो सकते हैं, वेज के कम हो सकते हैं, मच्छी के और कम हो सकते हैं, पनीर के और ज़्यादा हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो इस वजह से चॉपिंग बोर्ड सेपरेट रखते हैं ताकि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँच पाए, ठीक है। और पहुँचाने का कारण कौन होता है बैक्टीरिया के, कोई आँख नाक हाथ में कुछ नहीं होता, हम लोग ही होते हैं। हम लोग ही जब एक चीज़ को टच करते हैं फिर दूसरी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे थ्रू ही वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया वहाँ पर हमारे आगे जाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद यहाँ पे अभी जैसे जैसे अगर चॉपिंग बोर्ड जो आपके ऊपर वाले ऊपर कर लेना, नीचे वाले नीचे कर लेना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया वाला पार्ट है वो ऊपर होगा तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे रहेगा तो नीचे रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर कुकिंग हो रही है, ठीक है, वो बेस कुकिंग हो रही है, बट नीचे क्या फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर लास्ट में कस्टमर के बाद वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर कटने के बाद उसकी कुकिंग हो जाएगी तो बैक्टीरिया मे बी डेड पड़ जाएगा, मे बी कम हो जाएगा, ठीक है ना, बट नीचे कटने के बाद वो सीधा जाएगा तो वो फिर है। और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का डर किस पे होता है, हमारे प्रोटीन के आइटम, प्रोटीन के आइटम में क्या जाएगा, हमारा अंडा, पनीर, दूध, दही, चिकन, मटन, मच्छी, इसमें सबसे ज़्यादा डर होता है। तो इनको सबसे ज़्यादा हमको सेफ्टी के साथ रखना पड़े। सेफ्टी के रखने का मतलब क्या होता है, हमारे फ्रिज में होंगे 5 डिग्री से नीचे, है ना। अभी जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरी लाइन चल रही थी, मैं आप सामान बने, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर किसी की एक सेल्फ लाइफ है कि भाई मैं इतने घंटे तक, यानी कि आप सुबह से लेके क्रीम का पैकेट बाहर ही पड़ा, नहीं छोटी क्वांटिटी, आपको पता है सुबह से कितने, छोटी क्वांटिटी में निकाल के रख लो, बाकी अपने फ्रिज के अंदर रखो उसको, ठीक है। इसमें है कुछ क्वेश्चन आप लोगों के, बताओ इसमें चॉपिंग बोर्ड से रिलेटेड पूछते जाओ सर की, वो मत करो कि सर खड़े हैं। मेरा क्वेश्चन, हाँ बोल बोल। तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, जिसमें दही लगता है, हाँ, किसी के लिए दही भी हम लोग बाहर ही लगते हैं, जैसे नॉर्मल रेंज के पास ही लगते हैं, ताकि हमें आसानी हो, इजी हो उसको ऑर्डर में डालने के लिए। अभी ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक वही पड़ी है, नहीं वो या तो फ्रिज के अंदर हैंग करो उसको। नहीं नहीं, मैं ग्रेवी की बात कर रहा हूँ, किसी भी ग्रेवी में आधा कप में अगर दही यूज होती है एक बॉल में, छोटी क्वांटिटी सर, भाषा वही सेम छोटी क्वांटिटी, अगर मैं कह रहा हूँ ना हमको किसी भी आइटम, इतना आइटम कि वो एक या दो घंटे में खत्म हो, हर किसी आइटम की भाई सेल्फ लाइफ 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा वो खराब है, फिर मे बी हमको फिर ये एक नोट पॉइंट है, हाँ ये कभी मतलब मैं तो हमेशा ही देखता हूँ, हाँ छोटी क्वांटिटी में आ जाओ ना, हाँ वो छोटी क्वांटिटी में 2 घंटा, ओके, हाँ अगर वो दही 2 घंटे तक खत्म नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली देयर शुड गो टू फ्रिज, फ्रिज वो खराब रहना नहीं चाहिए, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, क्या नहीं कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, क्रीम भी ऐसी क्रीम हो गई, हाँ क्रीम हो गई, बटर हो गया, पनीर हो गया, हाँ कुछ भी हो जाए, इवन मीट भी हो गया हमारा, अगर कोई पनीर भी फ्राई करके रखा हुआ है ना वो फ्रिज के अंदर रहनी चाहिए, पनीर फ्राई करके बाहर रखनी नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऑर्डर आएगा तो हम यहीं से लेते हैं, प्रैक्टिस। अभी आप देखो ना हमको, देखो अभी जैसे थोड़ी सी खट्टी स्मेल आती है, हल्की हल्की ना खट्टी, आपको खुद ऐसा मतलब खुद आपको ना पुराना पुराना सा फील होता है, वो इसलिए ही होता है, वो बैक्टीरिया का असर चालू होता है। अभी आप देखना कल आप लोगों को तो किचन में काम, अगर कभी कभी कुछ खराब से आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके देखो, पता भी नहीं चलेगा, खा लेते लोग, ठीक है, उस टाइम कुछ फिर वो 2 दिन के बाद उसके पेट में दर्द हो जाएगा। आप किसी चीज़ को अच्छे से गर्म करो तो पता चलता है खराब हो गया, वो नहीं पता चलता ना, वो तो एक्सपीरियंस आप लोगों का, तो वही होता है वो उस टाइम अपने मतलब जो बैक्टीरिया अपने पाँव पसारने चालू कर चुका होता है, तो वो चीज़ हमको अवॉइड करनी है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा इतना पोर्शन जो है तो बाहर निकाल के रखो, मतलब ये भी नहीं कि आपके ऑपरेशन मतलब एक तरीके से हैम्पर हो, आपके ऑपरेशन को मतलब जितनी भी हम लोग ट्रेनिंग करें मकसद ये नहीं कि आपको तंग करने के लिए, ये इसलिए कि आपको सहूलियत हो बट जो बाहर है वो बीमार ना हो, ये मेन मकसद ही है, ठीक है जी।